हेलो जी, ये मेरे सामने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट है और अभी हम अंदर घुसने वाले हैं। घुस के आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पर वेजिटेबल मार्केट होती कैसी है और यहाँ पर ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कैसे सेल करते हैं। यहाँ पर इनकी सेल्स लगती हैं मगर ये बल्क क्वांटिटी में लोग लेके जाते हैं। ये जो छोटे छोटे बकालाज होते हैं ना, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वो लोग यहाँ से लेके जाते हैं और फिर इसको सेल करते हैं। तो चले आइए अंदर जाके देखते हैं। ये देखें जनाब, ये इस तरह की दुकानें दोनों तरफ बनी हुई हैं। नाइस नाइस, इधर और इधर भी दुकानें बनी हैं और बीच में भी ये शेल्फ्स लगी हैं। क्या इस तरह सेटिंग है इनकी, और क्रेट के क्रेट आपको देते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में लोग यहाँ से परचेज करते हैं। क्या हुआ? अस्सलामुअलैकुम। पालक चाहिए? पालक ये आप लोग किस तरह सेल करते हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं या थोड़ी क्वांटिटी में भी करते हैं? थोड़ा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा क्वांटिटी में, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में भी देते हैं आप। आजकल ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक कम है, लोग कम आ रहे हैं, उसकी रीज़न मुझे मालूम नहीं है। ये देखें यहाँ पर भी इस तरीके से उन्होंने सजाई हैं सब्ज़ियाँ फ्रूट्स। ये आदमी सो रहा है, इसको लगता है अभी तक तो गाहक नहीं आया। ब्रो कैसे हो, कहाँ से हो? बंगाली। यहाँ पर बिजनेस एरिया, बिजनेस जो ज़्यादा करने वाले जो है ना, वो बंगाली लोग हैं। तो आप कहीं भी जाएँ देखें, बिज़नेस जो लोग करते हैं उनमें ज़्यादातर बंगाली होंगे। ये इनकी बड़ा प्लस पॉइंट है इनका, बंगालियों का। पाकिस्तानी इतने ज़्यादा नहीं है मगर ये किसी भी छोटे से छोटे काम को आप देखेंगे ना तो बंगाली उसमें आपको लाजमी मिलेंगे, सिर्फ बंगाली ही मिलेंगे आपको। अगर ये कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बंगाली है। ज़्यादा बंगाली, पाकिस्तानी भी है? पाकिस्तानी भी है, पाकिस्तान भी है, पूरा बंगाली है, पूरा बंगाली है। आप लोग कुछ कहना चाहते हो ब्लॉग में? क्या बोलेगा, कैसा चल रहा है आजकल बिजनेस आपका? बिजनेस नहीं चलता है, नहीं चलना चाहिए, चलता है। बहुत आर्मी आ गई इधर में, बहुत आर्मी है, ज्यादा। अच्छा, कोई नौकरी नहीं मिलेगा। अच्छा, बहुत आर्मी बेकार है। अच्छा, रूम नहीं, खाना नहीं, इसमें बहुत मुश्किल हो गया। ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया? वीजा खुला है, वीजा बंद है। वीजा खुल गया, टूरिस्ट आ गया, ज्यादा नहीं हो गया। अच्छा अच्छा, सही है। आर्मी दरहम मायना है, और आर्मी का मायना 500 दरहम मिलेगा रूम। चले बहुत शुक्रिया, क्या नाम है आपका? पाकिस्तान से? पाकिस्तान से। आप देख, पाकिस्तान है हमारा मुल्क, पाकिस्तान है। पहले हम दोनों पाकिस्तानी थे ना। ओके, थैंक यू। यस यस, थैंक यू। मंडी में इस तरह की सफाई देखी आपने कभी पाकिस्तान में? नहीं ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, बस यहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर डंडा चलता है। आप सफाई नहीं करेंगे, आप इनके ऐसा भी फॉलो नहीं करेंगे जनाब, आपको ऐसा डंडा देंगे ना आप याद करेंगे, या तो आप कारोबार छोड़ जाएंगे या फिर आप इंसान बन जाएंगे। बस ये इंसान बना के रखते हैं, यही रूल्स, ऐसे ही SOP होने चाहिए। ये सारी मार्केट्स हैं, अरे वाह। ये इतनी छोटी नहीं है, ये घूम के हम उस तरफ जा रहे हैं। ये भी एक रास्ता है, इसके कितने ही रास्ते हैं, ये रास्ता है। आ जाओ कुमार भाई, अभी तक यहाँ पर पाकिस्तानी आम नहीं आए क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी नहीं है। यहाँ से आपको जो सही वाइट वाला चौंसा मिलता है ना, वो इधर से मिलता है और ये मिलता भी बड़ा सस्ता है। आपका मोहम्मद वाहिद? मोहम्मद वाहिद, ये मोहम्मद वाहिद से बात हुई है, इस भाई को शुगर है। आप सारा दिन क्या खाते हो? जो खाते हो वो बताओ। दोपहर के टाइम राइस खाते हैं। ओके, और सुबह के टाइम रोटी दाल। ओके, और 11 बजे समोसा खाते हैं, सिंगारा समोसा। रात को क्या खाते हैं? रात के भी चावल। हां, चावल खाते हैं, डेली चावल खाते हैं। हम लोग को इधर हम लोग बहुत बीमार है। क्यों, क्या रीज़न है, बीमार क्यों है इतना लोग? ज़्यादा ड्यूटियाँ हैं इधर, टेंशन भी ज़्यादा है, काम भी ज़्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो यार, गेट वेल सून। ओके, कैसे भाई? मुश्किल नहीं, थैंक यू। बीमार होने की वजह उन्होंने बताई कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं और इनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से बीमार हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा। और ये आपने भाई को देखा, शुगर है इसको। और मैंने जब उससे पूछा, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी क्या उसको बोले, क्यूरोसिटी होती है कि जिन लोगों को शुगर है वो खाते क्या है। तो मेरे दिमाग में ये बात आती है कि मैं उससे लाजमी पूछूँ ताकि मुझे पता चले कि जिस अंदाज से हम लोग अपना खाने पीने का प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया हुआ है बिल्कुल ठीक है कि नहीं। तो वही बात हुई, कार्ब्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जिन लोगों को शुगर होती है ना वो कार्ब्स बहुत खाते हैं। और भाई ने भी मुझे बताया कि सुबह
रोटी खाता है, दाल खाता है, चावल खाता है, रात को भी चावल खाता है। इसका मतलब यह है कि ये लोग चिकन नहीं खाते, मीट नहीं खाते, बीफ नहीं खाते, इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, जिसकी वजह से इनको शुगर है। तो शुगर को आइडेंटिफाई करना और उसका खुराक के साथ लिंक करना हमारे लिए दिन ब दिन बहुत ईजी होता चला जा रहा है। ये एक मीट मार्केट है, यहाँ पर मीट ही मीट है। अरे यार कुमार भाई, मेरी पसंदीदा मार्केट यार, आई लव दिस। ये बकरे का, गाय का, सारा फिरस मिल रहा है जी, फिरस यार। यहाँ पर फिरस चिकन भी है, यहाँ से आप ताज़ा चिकन पकड़ के मर्जी का भी करवा सकते हैं, देसी कुकड़। ओए बड़ी स्मेल है यार, हैं? अरे भाई बतख भी रखा है आपने। यहाँ पर डक का गोश्त भी मिलता है, ये सारा टर्की है, ये टर्की। अरे यार कमाल है, अंदर जाके देख लें, देख लें, देख लो। ये क्या रखा हुआ है? बटेरे, बटेरे हैं जनाब इन्होंने रखे। और ये देखें बटेरे, वाह जी वाह, ये देसी मुर्गी रखी है। ये ऊपर टर्की है, देखें अभी बताते हैं, ये टर्की है जनाब, फिरस, सॉरी फ्रेश देसी मुर्गियाँ। और बतख का गोश्त खाना तो ये भी पड़ी है यहाँ पर। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? स्मेल बहुत ज़्यादा है, मगर ये भी मैंने पहली दफ़ा देख लिया कि यहाँ पर आपको फ्रेश सारा कुछ मिलेगा, बटेरे बतख का गोश्त, टर्की, व्हाटएवर। तो क्या बोलते हैं यार, मेरे दिमाग से निकल जाती है कभी कभी बात। वेजिटेबल नहीं नहीं नहीं, ये इसको क्या बोलते हैं यार, क्या पार्किंग एरिया, और पार्किंग का लफ्ज़ दिमाग से निकल गया। ये सारा पार्किंग एरिया, मस्जिद की बैक साइड पे भी सारा पार्किंग एरिया है। देखिए तो इन्होंने कैसे ज़बरदस्त असाइन किया हुआ एरिया, पार्किंग के लिए अलग है। और अभी हमने आपको दिखाया है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का अलग सेक्शन है, उसके बाद मीट का अलग सेक्शन है, उसके साथ ही आपने चिकन खाना है ताज़ा, तो वो ताज़ा भी रखे हुए हैं उन्होंने, बटेरे रखे हैं, टर्की रखा है, हर चीज़ दिखाई आप लोगों को। तो जनाब ये इस तरीके के साथ इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफाई की हुई हैं जगह, और रूल्स बने हैं, एसओपी बने हैं, जिसके हिसाब से सारे लोग अपना अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, और आप लोग मर्ज़ी से आते हैं, लेते हैं चीज़ें, ऐसे ऐसे काम होते हैं जनाब। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मैंने अपने स्टैट्स चेक किए थे, आप लोग बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर लिया करो यार, क्या मुश्किल है। और बेल को डिंग डिंग लाजमी कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।